दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए अपने कीबोर्ड को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपको शुरू करने से पहले ये दिखा दूँ कि मेरे कीबोर्ड किस टाइप का है। तो मैं सर्च पर क्लिक किया, आप देख सकते हो कि मेरा जो कीबोर्ड है वो अभी ब्राउन कलर्स का है, जैसे कि मैं आप टाइप करके दिखा रहा हूँ। तो मैं इसे आप चेंज करना चाहता हूँ। तो इसे चेंज करने के लिए पहले आपको सेटिंग्स में क्लिक करना होगा। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको ये पर्सनल में जाना होगा। पर्सनल में आपको लैंग्वेज एंड इनपुट दिखाई देगा। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको जीबोर्ड में क्लिक करना है, जो कि कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड्स में। जीबोर्ड में क्लिक करने के बाद आप थीम पर क्लिक करो। थीम पर क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारे यहाँ थीम नज़र आ जाएंगे, क्योंकि कस्टम रिसेंटली यूज। तो मैं अब चेंज करना चाहता हूँ। तो मान लो यहाँ मैं ग्रीन कलर का ये जो थीम है, मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं अपने ग्रीन कलर के थीम पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ही आपको ये नज़र आएगा कि आपका थीम इस टाइप का दिखेगा। तो मैंने ये चेंज कर लिया है, और चेंज करने के बाद अब मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा थीम किस टाइप का दिखता है। सर्च पर क्लिक किया, आप देख सकते हो कि आप यहाँ मेरा जो थीम है चेंज हो चुका है, ग्रीन कलर हो चुका है ब्राउन से। तो दोस्तों, आप बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए आप इस ये थीम को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।